एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलानाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे, आप सभी को बहुत खुश रखे और आप सभी के घर में सुख शांति और मेरे घर में सुख शांति हमेशा बनाए रखे। हैप्पी शिवरात्रि बोल दो बच्चों। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का जो था पूजा पाठ वो सब कुछ हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं, हमारे घर के पास ही एक शिव मंदिर है, वहाँ पर जा रहे हैं मथा टेकने के लिए। और बाकी मेरी फैमिली के और सास मेरे हस्बैंड चले गए हैं, मैं मेरे बच्चे के साथ मेरे पड़ोसी के साथ जा रही हूँ। तो बहुत कुछ होने वाला है व्लॉग में आज शिवरात्रि के दिन में, तो व्लॉग में बनी रहिएगा और व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अच्छा, कोई पूजा चल रही होगी, पूजा चल रही होगी, देखते हैं। माथा टेक लिया आपने? आज हम भी आज
फ्रेंड्स, ये है आज का प्रसाद जो मंदिर में दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मंदिर से हम लोग मथा टेक कर आ गए हैं और काफ़ी मज़ा आया, खूब सारा कीर्तन किया और सब लोगों ने मिलकर कीर्तन को एंजॉय किया और अब हम सब लोग घर जा रहे हैं। पता नहीं दीदी कैसा लगा आज कीर्तन में? बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत मज़ा आया ना आज, बेशक गला खराब है, खुद ही मज़ा आ गया है ना दीदी? हाँ जी, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आ गया, बेशक गला खराब है पर फिर भी मज़ा आ गया। वो सब घर जाते हैं, घर जाके शाम की तैयारी करेंगे कैसे कैसे करना। कैसा लगा कीर्तन में आज? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया ना, गा गा के गाले लाल हो गई है, देखो गा गा के नाच नाच के इधर को देखो, असली लाल, असली लाल, असली लाल, असली लाल तो वो रहे कीर्तन गा गा के। सो दोस्तों, घर आ गए हैं और घर आकर ना थोड़ी देर में बैठी, चाय वगैरह पिया और अब शाम की जो शाम की जो पूजा होती है, जो व्रत का खाना होता है, वो बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर काट रही हूँ मैं ये आलू और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है फ्रेंड्स, अभी जाके दवाई लेकर आई हूँ मैं। पता नहीं मतलब फिर से फीवर तो नहीं है बट सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और खांसी से पूरा गला भी ऐसा दर्द हो रहा है ना, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, इतनी हालत ख़राब हो रही है, ऐसा मन कर रहा है कि बस आंखें बंद करके लेट जाऊं, लेकिन व्रत का टाइम है तो लेट भी नहीं सकते, इसलिए बस खाना बनाती हूँ फटाफट से, व्रत का खाना बनाती हूँ, व्रत खोलूँगी फिर उसके बाद रेस्ट करूँगी। और सर इतना दुख रहा है ना भाई गॉड, मतलब ऐसा हो रहा है यहाँ से झन 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 हो रहा है, मतलब इतना टाइम बीमार ना पहले मैं कभी नहीं हुई आज से पहले, पता नहीं कब ठीक होंगी। चलो दवाई लेके आई हूँ, अभी व्रत खुलने के बाद दवाई तो खाना ही पड़ेगा। सो दोस्तों, पकौड़े के लिए ये मैंने आलू काट लिए हैं, हम पकौड़े बनाएंगे और ये है हमारा ओगले का आटा, आप लोग पता नहीं शायद कट्टू का आटा बोलोगे या कुछ और बोलोगे, हमारे यहाँ पर ओगले का आटा या फिर कट्टू का आटा कहा जाता है। और ये रहा हमारा सेंधा नमक, व्रत का नमक, सबसे पहले हम इसको छान लेंगे प्रात में और उसके बाद फिर हम इसके पकौड़े बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा व्रत का खाना, ये है आलू की सब्ज़ी, वो है चलाई का खीर, दही और साथ में है ओगले के आटे के पकौड़े। तो ये हमारा आज का है व्रत का खाना, बिल्कुल सोबर सिंपल। तो दोस्तों, रात के 8 बज गए हैं और अब मैं अपना व्रत खोल रही हूँ और जैसे कि आप लोगों ने देखा व्रत में इतना सिंपल सा खाना है, यही होता है हमारे यहाँ व्रत में। और बस आज के दिन में, आज की महाशिवरात्रि वाले दिन में जो भी था व्लॉग मैंने सब आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का महाशिवरात्रि का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी व्लॉग को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। तो मिलेंगे फिर नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट फ्रेंड्स एंड टेक केयर, बाय बाय।